धोने वाला टाइड नहीं है, ठीक है ना। ये एक बैंक का नाम है जो कि है पेटीएम जैसा ऑनलाइन बैंक है। आप लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है ये टाइड बिजनेस इंडिया क्या है, इसमें कैसे हम लोग काम करें, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये क्यों हम लोग को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दे रहा है, क्यों हम लोग को लोन ऑफर कर रहा है, सारा कुछ जो है एडवोजेट आप लोगों को डिटेल में समझा के दिखा दूंगा। कैसे अकाउंट क्रिएट करना है सारा कुछ डिटेल में दिखा दूंगा। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को बता दूं, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सबका दोस्त, और आप सबका फिर से बहुत से स्वागत करता हूं आपको और हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। तो मैं लोग सबसे पहले बात करता हूं टाइड बिजनेस इंडिया क्या है। ये एक अमेरिकन कंपनी है जो की है ऑनलाइन बैंकिंग है, जैसे पेटीएम बैंक हम लोग यूज करते हैं, फ्री रिचार्ज बैंक हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद एयरटेल पेमेंट्स बैंक हम लोग यूज करते हैं, ऐसे ही है टाइड बिजनेस इंडिया। यानी गाइस कुछ ही दिन पहले हमारे इंडिया पे शिफ्ट किया है इसका जो बिजनेस है, पहली बार हम लोग को ज्यादा ऑफर दे रहा है, 100 से 200 रुपए कैशबैक मिलेगा अब जब इसका अकाउंट खोलोगे तभी। जीरो बैलेंस का अकाउंट है, कोई भी प्रोसेसिंग फी, कोई भी जीएसटी वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, एकदम जीरो है। जीरो बैलेंस में ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, जहां पर आप यहां पर ऐड मनी करके डेबिट कार्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन के थ्रू यूज कर सकते हो। टाइड बिजनेस इंडिया एक अमेरिकन का बहुत ही नामी दामी बैंक है, जैसे वहां पर तो ऑफलाइन में आप लोग बैंक में जा सकते हो, लेकिन इंडिया में शिफ्ट हुआ है, अभी तक ऑनलाइन में प्रोसेस है। जब पेटीएम जैसा ओल्ड हो जाएगा तब इसका सर्विस जो है पेटीएम जैसा ही ग्रो हो जाएगा। आई होप हम लोग सब मिलके इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो आपका अगर छोटा मोटा शॉप है, जैसे कि आप पेमेंट सेंड और रिसीव के लिए क्यूआर कोड रखते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह वगैरह, फ्री रिचार्ज, एयरटेल पेमेंट बैंक, कुछ भी हो जाए, बहुत सारे आजकल बैंक निकला है, ऐसे ही टाइड बिजनेस इंडिया भी एक ऑनलाइन बैंक है। कुछ दिन बाद इसका क्यूआर कोड भी आप लोगों को सारे शॉप में दिखेगा। जैसे ही गाइस इसका जो कस्टमर है ये सब लोगों को जीरो बैलेंस में अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है और किसी एजेंट के पास जाना नहीं होगा, एजेंट आपको कॉल करके खुद वीडियो के आवश्यक के थ्रू दिखाएगा। ये बहुत ही बिलीवेबल बैंक है, आप लोग इसको प्लीज यूज कीजिए, क्योंकि गाइस आपका अगर शॉप है, आप अगर छोटा मोटा बिजनेस चलाते हो, तो टाइड बिजनेस इंडिया बैंक को यूज करने के बाद जब आप इसका रेगुलर कस्टमर बन जाओगे, यानी ट्रांजेक्शन आपका अच्छा, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो ये बैंक आपको क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करेगा और वो भी बहुत ही मोटा हाई अमाउंट में, और उसके बाद प्रोवाइड करेगा आपको लोन जो कि बहुत ही ज्यादा कम इंटरेस्ट में मिलेगा। ये इस बैंक का खासियत है, ठीक है। चलिए भाई लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं इस बैंक में आप लोग कैसे अकाउंट खोल सकते हो। अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको आधार होना चाहिए, उसके बाद पैन होना चाहिए। ये दो चीज गाइस आप अपने साथ रखिए, बाद बाकी प्रोसेस में बताता हूँ। सबसे पहले गाइस आप प्ले स्टोर में चले जाओ, टाइट बिजनेस इंडिया, इसका जो है रेटिंग इतना ज्यादा खास नहीं है, 3.4 रेटिंग है, 317 रिव्यूज है, क्योंकि ये हाल ही में ही लॉन्च हुआ है एक डेढ़ महीना पहले, ठीक है। उसके बाद इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करते गाइस आपको अपना जीमेल देना पड़ेगा, उसके बाद 14 डिजिट का पासवर्ड देना पड़ेगा, यानी मैं आप लोगों को पकड़ लूं कैपिटल लेटर पहले, स्मॉल लेटर बीच में, उसके बाद कैपिटल लेटर, उसके बाद @ क्वेश्चन मार्क ऐसा कुछ, उसके बाद कुछ डिजिट, यानी सारे मिला के 14 डिजिट का पासवर्ड देकर इसको कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू के बाद गाइस आपको ऑथेंटिकेशन के लिए बोला जाएगा, उसके बाद गाइस मैं कुछ कुछ चीजें हाइड करूंगा या स्किप कर दूंगा जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, ये बहुत ज्यादा प्राइवेसी है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस आप आधार में जो एड्रेस है, नाम है वगैरह फिल कर दीजिएगा। फिल करते ही गाइस नेक्स्ट वाले प्रोसेस में जाइए, आपका एड्रेस जो ही है, यानी आधार कार्ड में जैसा जैसा है, पिन कोड है, एड्रेस है, सारा कुछ जो है सेम देना पड़ेगा। उसके बाद गाइस सब कुछ कंप्लीट होने के बाद गाइस आपको पैन का डिटेल्स भरना पड़ेगा। पैन डिटेल्स में यानी यहाँ पर फॉर्म में ही बोला जाएगा कि पैन में क्या चाहिए, पैन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, पैन कार्ड में जो नाम है, फादर्स नेम, सारा कुछ वहाँ पर डिटेल में फिल करना पड़ेगा। सब कुछ हो जाने के बाद गाइस वीडियो के ऐसी के लिए आपको फाइनली बोला जाएगा, जहाँ पर आप यूजर कंसेंट और टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद गाइस आपका एक आईडी जनरेट होगा, उस वाले बॉक्स में क्लिक करके आप अपने वीडियो केवाईसी स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद डिजीलॉकर केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आपको बोला जाएगा, जहाँ पर आपका आधार नंबर और प्लीज एंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द बॉक्स बिलो, जहाँ पर इसको फिल करना पड़ेगा और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही आपका डिजीलॉकर का 6 डिजिट का पिन दीजिए, ताकि वो लोग आपके आधार को अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन कर सके, अगर नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करते ही गाइस आप लोगों के सामने आएगा अदर डिटेल हैव बीन फेस्ड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद गाइस आपके आधार कार्ड का फोटो उठ जाएगा, आपके नाम, आपके फादर्स नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ उठ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका जो है पैन कार्ड का भी फोटो ले लीजिए। उसके बाद गाइस ऑक्यूपेशन डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी आपका खुद का बिजनेस है, अगर आप सैलरी है तो सैलरी, ठीक है। उसके बाद अदर्स है तो अदर्स, ठीक है। उसके बाद देकर स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करते ही आप कौन सी भाषा में वीडियो के ऐसे कम्प्लीट करना चाहते हो, इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, ठीक है, तो हिंदी भाषा ज्यादातर लोग सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके टोकन नंबर दिया जाएगा 213। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो जो है फॉर स्मूथ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, डू नॉट रिफ्रेश द
पेज, रिफ्रेश मत कीजिएगा पेज को वीडियो के ऐसे चलते वक्त। एंश्योर द इंटरनेट कनेक्टिविटी इज स्टेबल, इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। अनेबल कैमरा माइक्रोफोन लोकेशन सेटिंग ऑन योर डिवाइस, यानी माइक्रोफोन कैमरा लोकेशन का फंक्शन जो है वो अलाउ होना चाहिए ताकि वो लोग आपके आवाज को कैच कर सके, आपके फोटो ले सके अच्छे से। डू नॉट लेट योर मोबाइल इंटर स्लीप मोड, यानी वीडियो के ऐसे चलते वक्त आपका मोबाइल लॉक होना नहीं चाहिए, नहीं तो कट जाएगा कॉल, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कीजिए, देख सकते हो मैंने वीडियो के लिए अप्लाई किया। कनेक्टिंग यू विद एन एबल एजेंट, तो मेरे एजेंट से बात हो गई, कनेक्ट हो गई और मेरा जो है सारा प्रोसेस वो लोग आसानी से वीडियो के ऐसे के तौर पर ले लिए, ठीक है। इतना ही गाइस करना है, उसके बाद जो है आपका प्रोसेस सारा प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुका, आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा विद इन 24 आवर्स के अंदर, आपका जो है एप्लीकेशन अप्रूव होके आप टाइड बिजनेस इंडिया बैंक का कस्टमर बन जाओगे। उसके बाद आप आसानी से इसको यूज कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप लोग यूज करो, आयोग की पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो आयोग की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, अगर वीडियो को थोड़ा बहुत पसंद आए एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए। टेक्निकल रिलेटेड कोई भी इशू आए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है, जाकर मुझको फॉलो करके मुझको मैसेज कर दीजिए, मैं आपके टेक्निकल रिलेटेड हर इशू को रिजोल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। तो आप अगर इस चैनल में नए हो सो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाला घंटा है उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी हर फ्रीक्वेंसी आप सबको एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक 2000 कॉन्टेंट लेकर, तब तक अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।